बर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया मैंने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर टू है, देयर इज सिमर एंड क्वायर ऑन द रिवर ड्यू टू, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ आएगा स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नंबर सी का लिखना है आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी सीजन आर देयर इन अ ईयर, तो ये आपको पता होगा कितने सीजन होते हैं, तो देयर आर फोर सीजन्स, देयर आर फोर सीजन्स। अगला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन में होली सेलिब्रेट होती है, तो आंसर हो जाएगा होली इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर पाँच, आपने राइट द राइमिंग वर्ड फॉर फेयर, तो फेयर का राइमिंग वर्ड, फेयर का पेयर और हेयर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड लर्न, ठीक है, तो नाउन होगा, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड लर्न इज लर्नर, ठीक है, लर्नर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसके जो आंसर है एक से दो वाक्यों में लिखना है आपको, तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द नेस्ट मेड अप ऑफ, नेस्ट किससे बनता है, तो आंसर होगा इसका ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ट्विग्स, ग्रास एंड लीव्स, ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर एट, मैंशन द नेम ऑफ द फ्लावर्स गिवन इन द पोयम, पोयम में कौन कौन से चीज़ों का, ये चीज़ों मतलब फूलों के नाम दिए हैं बताओ, तो इसमें पेंसिस दिया है, लिलीज दिया है, डेफोडाइलिस दिया है, ठीक है, तो ये सभी आंसर में लिख लेना, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाई इज इट ऑल अराउंड फेयर, व्हाई इज इट ऑल अराउंड फेयर का आंसर हो जाएगा, सीमर एंड क्वियर ऑन द रिवर जॉय इज एवरीवेयर, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको यहाँ पर रीअरेंज करना है, ठीक है, इनको रीअरेंज करके इधर करेक्ट वाला लिखना है, तो पहले का हो जाएगा डी ओ एल एल डॉल, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा बी ए एन ए एन ए बनाना, तीसरे का हो जाएगा पेंसिल पी ई एन सी आई एल, ये आंसर है बच्चों, मैंने लिख दिया है, ठीक से लिखिएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, तीन से पांच वाक्यों में लिखना है, ये चित्र देखो बच्चों, गौर से चित्र देखो और यही आपको आंसर इधर लिखना है, ठीक है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ चित्र में देखा होगा आपने, दिस इज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का पॉइंट है, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ठीक है। तीसरे नंबर पे, देयर आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, चौथे पे है, देयर आर ग्रीन ग्रीन ग्रास एंड ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टैंजा विद द हेल्प ऑफ मिसिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये सब मिसिंग है, इसको हमको कंप्लीट करना है इन सबको ढूंढ के। तो सबसे पहले आएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग को, स्प्रिंग ये वाला स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने पहले नंबर पर लिखा, इज कमिंग, फिर यहाँ पर स्प्रिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, ठीक है। उसके बाद है अराउंड, ठीक है, यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, पांचवे के बाद छठवा, सातवा और ये आठवा, ठीक है, ऐसे ही आपने भरना है। अराउंड आ जाएगा, यहाँ फेयर आ गया, यहाँ पर क्यूवेयर आ जाएगा, यहाँ पर रिवर जॉय आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एवरीवेयर, ठीक है बच्चों। आपका चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।